किसी वीडियो को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट साउंड यू कांट क्रिएट इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब मैंने इतनी बड़ी बात बोली है तो मैं इसका रीज़न भी दूंगा और साउंड की थोड़ी बहुत नॉलेज दूंगा, जिससे आप अपने किसी भी वीडियो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोज़ में तीन टाइप के साउंड यूज़ होते हैं और मेरी सभी वीडियोज़ में ये तीन टाइप के साउंड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट एरोल वीडियो साउंड है। अब एरोल वीडियोस, ये वीडियोस होती हैं जो आप देख रहे हो, अब इनका साउंड जितना क्लियर होगा आप लोग उतनी आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे, तो इसीलिए एरोल वीडियोस का साउंड क्लियर रखना पड़ता है। और इसी रीज़न से मैक्सिमम यूट्यूबर कोशिश करते हैं अपनी ऑडियो क्वालिटी को और ज़्यादा इनहेंस करें और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें, इसीलिए वो महंगे महंगे माइक्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड होता है साउंड इफेक्ट। अब साउंड इफेक्ट्स कैसे, जब आप किसी तरह की हिट का सुनते हैं या किसी वुश का साउंड सुनते हैं या किसी भी तरह के ट्रांजिशन में जो साउंड यूज़ होता है वो साउंड इफेक्ट्स में आते हैं। साउंड इफेक्ट वीडियो को रियलिस्टिक फील देते हैं, जैसे आपका स्नैप का साउंड होता है, गाड़ी का चलना और भी बहुत सारे साउंड्स। इस तरीके के साउंड्स को डालकर वीडियो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, ताकि आपको फील हो उस वीडियो में क्या हो रहा है। अगर आपको साउंड इफेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज हो तो आप किसी भी वीडियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। थर्ड है म्यूज़िक। म्यूज़िक वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वो एक फील क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं जब भी आप एक किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं, आप उससे ध्यान से सुने तो उसमें आपको फील होगा कि उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया गया है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे किसी म्यूज़िक को नहीं लगा सकते, आपको म्यूज़िक अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए, ताकि व्यूअर आपको और ज़्यादा अटेंशन दे सके, आपकी वीडियो को और ज़्यादा पसंद करें। तो ऐसे म्यूज़िक का यूज़ करें जो सुनने में बहुत ज़्यादा फील क्रिएट करें, बट ऐसे म्यूज़िक्स को अवॉइड करें जिससे व्यूअर के मूड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। जस्ट लाइक अगर आप टेक वीडियोज़ बनाते हैं या किसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते हैं, नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं, आप उसमें सैड म्यूज़िक यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है माइंड पर। वहीं पे आप एक इंटरेस्टिंग म्यूज़िक को बीट यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिससे व्यूअर की और ज़्यादा अटेंशन रहे उस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँ। बाय।